जिन साथियों को या उनके परिवार में किसी को या उनके किसी बच्चे को ये समस्या हो गई है, ये वीडियो उनके लिए है कि जो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे ही दौरा या झटका या कई बार ऐसे आँख में छुटाती है, होंठ दबने लग, अपने आप चाहते नहीं हैं लेकिन अपने आप होता है, कुछ भी आपके साथ इस तरह का हो रहा है, तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क कीजिए। उसकी सुझाई, उसकी बताई हुई दवाओं का सेवन तुरंत से शुरू कर दीजिए। जो भी वो आपको बता रहा है उस पर आपको पूरा ध्यान रखना है। हालांकि अभी भारत में इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आयन क्योर इस पर काम जरूर कर रहा है, लेकिन विदेशों में इस तकनीक किसी तकनीक द्वारा ये भी जान लेते हैं कि ये चीज़ें, ये दौरा किस बात से ट्रिगर हो रहा है, यानी कि क्यों जन्म ले रहा है। चलिए वापस आपकी बात पर आते हैं। सबसे पहले तो तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क कीजिए, इसकी उचित प्रकार से दवा शुरू कीजिए। दवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नागा नहीं होना चाहिए। इसके बाद भोजन से संबंधित भी देखिए, डॉक्टर्स बहुत कम इस बारे में बताते हैं। आयन क्योर ने तो मुझे बहुत गाइड किया, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स का अनुभव है किसी ने भी दवा के अलावा बच्चे को क्या देना है, कैसे खिलाना है, क्या ध्यान रखना है, किसी ने नहीं बताया। हाँ, इतना ज़रूर सब कहने लगे कि 24 आवर्स सर्विलांस रखिए, पूरे समय निगाह रखिए, लेकिन उनकी डाइट पर, उनके स्लीपिंग आवर्स पर, पढ़ाई के शेड्यूल पर, किसी भी चीज़ पर डिस्कस नहीं किया आयन क्योर के अलावा। आपको उसकी डाइट का ध्यान रखना है। आप इसके लिए गूगल भी कर सकते हैं। अब इसमें छोटे से वीडियो में बहुत कुछ आपको नहीं बता सकता। जो बड़े लोग हैं किसी भी तरह से शराब का सेवन ना करें, वो इसको प्रोवोक कर सकती है ना। दवा नियमित तौर पर लें, और अगर दवा चलने के बावजूद भी बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो चिकित्सक से संपर्क करें, वो इसका यथोचित इलाज अवश्य सुनिश्चित करेंगे।